इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्योर पश्मीना नेचुरली बैद्यनाथ कब्ज हार दे कब्ज में आराम प्राकृतिक और सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। चले रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। बीते 20 दिसंबर को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक बिल 2023 पास होने के बाद आज ये राज्यसभा में भी पास हो गया। ये बिल सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है। दूरसंचार विधेयक बिल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 की जगह लेगा। साथ ही यह केंद्र सरकार को किसी भी आपात की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हितों में दूर संचार नेटवर्क पर कब्जा करने की अनुमति देता है। अब राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री के पोन मुड्डी को मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से पोन मुड्डी को बरी करने के फैसले को मंगलवार को पलटते हुए रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने ये सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका और सजा निलंबित करने से जुड़ी याचिका दाखिल करने के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी। बता दें कि पोन मुड्डी ने द्रमुक शासन में 2006 से 11 के बीच मंत्री रहते हुए अपने और अपने पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनके आय के स्रोत से अधिक, और इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के मिमिक्री विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। वहीं अब खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई। बता दें कि बीते 18 दिसंबर को निलंबित सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति की नकल करते हुए देखा गया था, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने फोन का उपयोग करके तृणमूल कांग्रेस के सांसद का वीडियो बनाते हुए देखा गया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। आहूजा सन्स की पश्मीना शॉलें, प्योर पश्मीना नेचुरली। आयकर विभाग ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक बायरन विश्वास के आवास की तलाशी के दौरान वहां से करीब 70 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज के विधायक के आवास पर बुधवार सुबह शुरू हुई तलाशी करीब 19 घंटे बाद देर रात खत्म हुई। इस मामले को लेकर आयकर अधिकारियों ने आगे कहा कि हमने बायरन विश्वास के आवास पर छापेमारी के दौरान 70 लाख रुपए नकदी बरामद किए। इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि इतनी बड़ी राशि वहां क्यों रखी गई। लोकसभा में गुरुवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाया गया यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधी अधूरी कोशिश थी और वर्तमान विधेयक पिछले विधानों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है। बता दें कि राज्यसभा में पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा के शर्तों और पदावधि विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई थी। मुंबई में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि 20 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों में CRPC की धारा 144 लागू होगी। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये आदेश क्रिसमस और नए वर्ष आने से पहले जारी किया गया। आदेश में लिखा गया कि यह आवश्यक है कि ड्रोन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट विमान, पैराग्लाइडर के माध्यम से संभावित तोड़फोड़ को रोकने के लिए ये आदेश पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस व शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक घमंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस का सवाल है, तो उनको जोड़ने वाला जो फेविकॉल है वो दो है, एक है शराब और दूसरा है अपमान। पात्रा ने आगे कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर पड़े करोड़ों रुपए का जिक्र करते हुए कहा कि शराब का पैसा अलमारी दल अलमारी भेजा गया। 3 दिसंबर मतगणना हो रहा था और दूसरी नोटों की गिनती भी चल रही थी।
उन्होंने कहा कि वह शराब घोटाले का ही पैसा था जो कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से निकला है। वहीं आगे अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करते हुए पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज हरदे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षा। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर आज फैसला नहीं आया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने यह फैसला लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की थी और इसी पर आज फैसला आना था। बता दें कि वाराणसी के जिला जज की कोर्ट 21 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने को छोड़ बाकी सभी हिस्सों पर और तहखाने के सर्वे के आदेश दिए थे। भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर बहुत फोकस किया है। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी गहरी होती जा रही है। अमेरिका ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है। उन्होंने कहा कि देश क्वैड के माध्यम से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है।